Assalamu alaikum guys, I hope that you all will be very good. Today we are going to start lecture number 14. So this is going to be a good lecture for all of you because we are moving towards past perfect tense, which is the third member of past family. Before that, I would like to remind you that we have discussed till now lecture number 12 for past simple and lecture number 13 for past continuous. I hope that you might have benefited from all of that. So today we are going to continue our lecture number 14. It is all about past perfect tense. Before starting the lecture, I would definitely suggest that I will definitely suggest all of you that try to subscribe the channel if you have not subscribed it yet, and try to show your comments as well, because in last lecture I was just seeking for your comments, and because you know what, I believe that comments are definitely the encouragements for me, and in this way I can modify, I can correct, or I can continue the next lecture with more enthusiasm. So for this reason, I would suggest all of you to kindly subscribe if you have not subscribed the channel yet, so that, and click on bell icon as well, so that you could get the next lecture as well, and try to show your likeness or dislikeness about the lectures, so in this way I can correct all the lectures for all of you. Okay, so let's start before discussing the topic. We have the definition first as usual. हमारे पास सबसे पहले definition है जिसको हम लोग discuss करेंगे. So हमारे पास जो definition है वो सबसे पहले हम definition number one discuss करेंगे. To talk about an action which is completed in the past in a certain or specific or particular time means माजी में होने वाले ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कि माजी में किसी मखसूस वक्त के दौरान हुआ हो. For example, number one, example की बात करते हैं तो number one example है हमारे पास, they had reached home till 5 PM. वो शाम 5 बजे तक घर पहुंच चुके थे. Number two, she had washed clothes by 9 AM. वो सुबह 9 बजे तक कपड़े धो चुकी थी. So ये हमारे पास बहुत common दो examples हैं. So definition number two, to talk about the completion of an action before an action in the past means माजी में होने वाले किसी काम से पहले किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में भी पास्ट परफेक्ट ही बात करता है. फॉर example, नंबर one, द पेशेंट had died बिफोर द डॉक्टर came. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. यहां पे आपने ये भी नोट डाउन करना है, द पेशेंट had died बिफोर द डॉक्टर came. ये जो डॉक्टर came है ना, ये है पास्ट सिंपल टेंस. द पेशेंट had died, यानी कि डॉक्टर का आना एक काम था पास्ट सिंपल, और इससे पहले जो काम मुकम्मल हुआ वो मरीज का डेड होना था. नंबर टू, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी. सो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट के हवाले से उसकी कुछ डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स थी. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की जानेब बढ़ते हैं, और ये है रिकग्निशन इन इंग्लिश एंड फार्मूला, कि पास्ट परफेक्ट का जो फार्मूला है वो क्या होगा और इसकी जो रिकग्निशन इंग्लिश में वो क्या है. अगर फार्मूला के हवाले से बात की जाए तो बहुत सिंपल है, नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद आप हैड लगाएं, हैड के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो लगाएं, और उसके बाद रेस्ट या रिमेनिंग सेंटेंस. तो हमारे पास इंग्लिश की रिकग्निशन क्या आ गई, कोई भी ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस
जिसमें नाउन प्रोनाउन के बाद हैड के साथ थर्ड फॉर्म मौजूद हो तो हमें समझना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट ही है और कोई टेंस नहीं है। ये इसकी मेन रिकग्निशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रीच्ड होम बाय भी लगा सकते हैं, टिल भी लगा सकते हैं। 5 PM, बाय और टिल का फ़र्क मैं आपको आगे समझा देता हूँ। मैं शाम 5 बजे तक घर पहुँच चुका था। नंबर 2, फादर हैड गॉन टू मार्केट व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुँचा अब्बू मार्केट जा चुके थे। सो ये हम दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकग्निशन इन उर्दू। अब उर्दू में क्या पहचान होगी, कौन सा उर्दू का ऐसा सेंटेंस होगा जिसको हम लोग पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उर्दू का हर वो सेंटेंस जिसके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता हो, हम उसको पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने पहले जो दो टेंसेज हैं उनके जो मुख्तलिफ स्टाइल ऑफ सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड किया था, कि डेफिनेशन हमने डिस्कस की, एग्जांपल्स डिस्कस की, फार्मूला डिस्कस किया, रिकग्निशन इन इंग्लिश डिस्कस की, रिकग्निशन इन उर्दू डिस्कस की, इसी तरह हमारे पास कुछ और स्टाइल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस हैं जो कि हम इसमें भी फॉलो करेंगे। उसमें नंबर 1 पे है टू मेक इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस, कि सवाल या फिक्रा पास्ट परफेक्ट में कैसे बन सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताना चाहूँगा। फार्मूला जो है, सबसे पहले हैड प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, सिंपल। यानी कि जो हैड आपने नाउन प्रोनाउन के बाद लगाया था सिंपल सेंटेंस में, क्वेश्चनरी या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उस हैड को सेंटेंस से पहले लगाएं और फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन और फिर थर्ड फॉर्म और फिर रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, Had I reached home by या till 5 PM, क्या मैं शाम 5 बजे तक घर पहुँच चुका था। नंबर 2, Had she gone to Karachi। नंबर 3, Had they played cricket before the sunset, क्या वो सूरज ग़ुरूब होने से पहले क्रिकेट खेल चुके थे। नंबर 4, Had the train left the station when they reached the station, जब वो स्टेशन पे पहुंचे क्या ट्रेन पहले रवाना हो चुकी थी। नंबर 5, Had she discovered new ideas as she grew up, जैसे ही वो जवान हुई क्या वो न्यू आइडियाज डिस्कवर कर चुकी थी। ये हमारे पास टू मेक इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंस बनाने का तरीका नंबर 1 एग्जाम्पल्स के साथ। दूसरा जो तरीका है पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है, फार्मूला इसका देख लेंगे। नाउन और प्रोनाउन प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, यानी कि नाउन प्रोनाउन के बाद हैड लगाएं, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, आई हैड नॉट रीच्ड होम, मैं घर नहीं पहुंच चुका था, बाय और टिल 5 PM, बाय 5 PM कह लें, टिल 5 PM कह लें, एक ही बात है। नंबर 2, She had not cooked food until her husband arrived at home. वो खामत के घर आने से पहले खाना नहीं पका चुकी थी। नंबर 3, Children had not woken up till sun rose. सूरज के तलू होने से पहले बच्चे जाग नहीं चुके थे। नंबर 4, The police had not caught the thief. पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी थी। Number 5, The train had not left the station
When I reached, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो ट्रेन नहीं गई थी, द ट्रेन नहीं जा चुकी थी. सो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक तरीका है पास्ट परफेक्ट टेंस में. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टाइल ऑफ मेकिंग सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड इट इज टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड सेंटेंस. So as usual, first of all, we'll discuss the formula. What is the formula? Had plus noun or pronoun plus not plus third form plus remaining sentence. I mean to say, we will place had in the start of the sentence and then we will set the rest of the sentence. Had plus noun or pronoun plus not plus third form plus remaining sentence. For example, number one, had I not reached home till 5 p.m., क्या मैं शाम 5 बजे से पहले घर नहीं पहुंच चुका था? Number two, had I not played cricket, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था? Number three, had she not woken up till 6 a.m. क्या वो सुबह 6 बजे से पहले नहीं जाग चुकी थी? Number 4. Had she not left school when she reached at college? जब वो कॉलेज पे पहुंची क्या वो घर नहीं पहुंच चुकी थी? Number 5. Had the train not left the station when I reached, जब मैं पहुंचा तो क्या ट्रेन नहीं जा चुकी थी, स्टेशन नहीं छोड़ चुकी थी? सो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड सेंटेंसेस के हवाले से. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी है टू मेक यूज ऑफ WH word, कि WH word की मदद से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कैसे बनाते हैं. WH word आप लोग जाते हैं, किसे कहते हैं? When, why, what, where, which, who, how, ये सारे WH word हैं. इसका फार्मूला क्या है? हम फार्मूला की बात कर लेते हैं. WH word प्लस had प्लस noun और pronoun प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस. मीन्स आप WH word को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर नाउन और प्रोनाउन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस. अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए, सो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, नंबर 1, व्हाई हैड आई रीच्ड होम टिल 5 p.m. मैं घर 5 बजे से पहले क्यों पहुंच चुका था? ओके. नंबर 2, व्हेन हैड दे गॉन देयर, वो कब वहां जा चुके थे? नंबर 3, वेयर हैड चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे कहां खेल चुके थे? नंबर 4, How had you caught the thief? आपने चोर कैसे पकड़ा था? Number 5, Who had gone to Karachi? कराची कौन जा चुका था? So ये हमारे पास sentences हैं use of WH word के हवाले से past perfect tense में, कि उनको कैसे convert किया जा सकता है मुख्तलिफ तरह की shapes में. यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दूँ कि हम when और where दो ऐसे WH word थे जिनके हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मैं थोड़ा सा दोबारा उसको रिपीट करना चाहूँगा. हम when का जो word है एज अ क्वेश्चन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमने आंसर टाइम में देना हो, और वेयर का जो वर्ड है वो एज अ क्वेश्चन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आंसर हमने जगह यानी कि प्लेस की सूरत में हमने बताना हो. ये है. सो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं.
यहाँ पे एक छोटी सी टिप भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और ये है डिफरेंस बिटवीन टिल एंड बाय। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं टिल और बाय का जो डिफरेंस है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। We use till when the time is confirmed. हम till वहां पर use करते हैं जब हमें time confirm हो। For example, till 5 pm means exact 5 pm. We use by when the time is confirmed. But there would be a justification as there would be a restrictions, means limitations भी हो या restrictions हो और एक तरह की justification हो। For example, by 5 pm means it could be 4:59 या 5:01 और 2 minutes less और 2 minutes एक्स्ट्रा। मीन्स टिल का मतलब है एग्जैक्ट 5, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा। बाय का मतलब है 1 मिनट कम ज़्यादा हो सकता है। बाय 5 PM का मतलब है 5 बजे तक, मतलब 5:01 भी हो सकता है, 4:59 भी हो सकता है। ये छोटा सा फ़र्क है, आई थिंक इजी टू अंडरस्टैंड है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज एंड इट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोग जानते हैं कि हम हर टेंस के आखिर पे एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी। एक्सरसाइज करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सेंटेंस रीड करूँगा, आपने साथ ही उसका जवाब दे देना है। इस तरह हमारे सारे सेंटेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे, या आप जो भी जवाब देंगे अपने आंसर्स आप साथ साथ लिखते जाएं सुनने के साथ, और एक्सरसाइज के एंड पे मैं फिर राइट आंसर आपको बता दूंगा और आप मेरे आंसर्स को अपने आंसर्स के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1, द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द सैंड कैसल दैट वी डैश फुल स्टॉप। अब डैश में क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ बिल्ड बिल्ट बिल्ट बिल्डिंग, ये 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, आपने एग्जैक्ट वर्ब लगाना है। नंबर 2, ही डैश एट केप टाउन बिफोर 1997, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, बेसिकली ये आपने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टे स्टेड स्टेड स्टेइंग, राइट, ये 4 फॉर्म्स हैं स्टे की। नंबर 3, व्हेन शी वेंट आउट टू प्ले कॉमा शी डैश ऑलरेडी हर होमवर्क, ब्रैकेट में लिखेंगे डू डिड डन डूइंग, आपने बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ब आएगा। नंबर 4, माई ब्रदर एट ऑल ऑफ द केक दैट आवर मम डैश फुल स्टॉप। अब ब्रैकेट में क्या है, मैं आपने ये बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स डैश में क्या आएगा, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मेक मेड मेड मेकिंग। नंबर 5, द डॉक्टर टुक ऑफ द प्लास्टर दैट ही डैश ऑन 6 वीक्स बिफोर फुल स्टॉप, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, आपने डैश में बताना है डैश में क्या आएगा,
ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पुट 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 पुटिंग, फोर फॉर्म, चारों फॉर्म्स है पुट की. आपने अप्रोप्रिएट या सूटेबल वर्ब बताना है. सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 14. मैं आपके साथ आंसर शेयर करना चाहूँगा इस एक्सरसाइज के, आप उनको देख लीजिएगा. अपने जो आंसर्स जो आपने राइट डाउन किए हैं या जो आपने बताया उसके साथ कैसे आप कंपेयर करते हैं. नंबर वन, हैड बिल्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म बिल्ट आएगी डैश में. नंबर टू, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था तो पहले हैड लगेगा, हैड के बाद नॉट लगेगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी स्टे की, स्टेड, हैड नॉट स्टेड, ये आएगा खाली जगह में. नंबर थ्री, शी के बाद डैश है, खाली जगह था. यहां पे आपने डैश में क्या लिखा? हैड डन. नंबर फोर, हैड डन, सॉरी, हैड मेड, मम के बाद डैश है, इस डैश में आएगा हैड मेड. नंबर फाइव, ही के बाद डैश है तो इस डैश में क्या आएगा? हैड पुट, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 14. आई होप दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू. आई विश यू गुड लक. Thank you very much and take good care.